हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी को गुड मॉर्निंग। पंत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा स्टार्ट है, तो उससे रिलेटेड हम एमपी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे टॉपिक वाइज। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों खजुराहो की, खजुराहो जो कि जिला छतरपुर के अंतर्गत आता है, तो आज खजुराहो में जितनी भी विशेषता है खजुराहो की, जो भी आज हम उसको एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, अतः देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों की। तो खजुराहो के मंदिरों, यहाँ पर कुल मंदिरों की संख्या, कुल मंदिरों की संख्या 85 थी, तथा वर्तमान मंदिरों की संख्या 22 रह गई है, अब बात करते हैं इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। बात करेंगे, अगर आपको कहीं चंदेल शासक नहीं दिखता तो यहाँ पर आप राजपूत करेंगे, क्योंकि राजपूत के ही वंशज थे चंदेल शासक। अतः आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर चंदेल शासक ऑप्शन में नहीं है तो राजपूत ऑप्शन में है, तो राजपूत आपका राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं इनके निर्माण समय की। तो इनका समय जो था, समय 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य, 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य। बात करते हैं शताब्दी की। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हम किस शताब्दी में बने हुए हैं, तो आपका आंसर रहेगा दसवीं से ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? चंदेल शासकों ने। ध्यान देंगे, खजुराहो में स्थित कुछ मंदिरों की बात करते हैं। तो खजुराहो में कुल मंदिर थे 85, वर्तमान में मंदिर बचे हैं 22। बात करते हैं यहाँ के मंदिरों की, यहाँ के अधिकतर मंदिर बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि खजुराहो के अधिकतर मंदिर किस पत्थरों से निर्मित हैं, तो आपका आंसर रहेगा बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। बात करते हैं शैली की, कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं, तो आपका आंसर रहेगा गांधार शैली में निर्माण हुआ है खजुराहो के मंदिरों का, गांधार शैली। बात करते हैं यहाँ एक, इसके तीन भाग हैं जिसके अंतर्गत आता है पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण। इसके अंतर्गत पूर्व में जैन मंदिर स्थित हैं। बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ है। आपसे पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक मंदिर किस दिशा में बनाए गए हैं, तो आप कहेंगे पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण कराया गया है। आपसे पूछा जाए कि चारों दिशाओं में से खजुराहो में किस दिशा में कोई भी मंदिर नहीं है, तो आपका रहेगा उत्तर दिशा में, उत्तरी भाग में
उत्तर दिशा या उत्तरी भाग में कोई मंदिर स्थित नहीं है, कोई मंदिर स्थित नहीं है। बात करते हैं यहाँ के मंदिरों की। यहाँ के मंदिरों में पूछा जाता क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मंदिर, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाए बच्चों, तो सबसे बड़ा मंदिर होगा कंदरिया महादेव मंदिर। यह खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। बात करते हैं सबसे प्राचीन मंदिर। सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ चौंसठ योगिनी मंदिर। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। बच्चों, हमने अभी देखा कि खजुराहो के सर्वाधिक मंदिर बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं, लेकिन खजुराहो का आप ध्यान रखेंगे, खजुराहो का एकमात्र मंदिर जो ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, तो वह मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। यह ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। खजुराहो का एकमात्र मंदिर जो ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है, तो आपका आंसर लगाएंगे बेटा 64 योगिनी मंदिर। बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर की, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान देंगे सभी लोग, मध्य प्रदेश में तीन चौसठ योगिनी मंदिर हैं। पहला मंदिर मुरैना में स्थित है, मुरैना का 64 योगिनी मंदिर। दूसरा मंदिर स्थित है भेड़ाघाट जबलपुर में। और तीसरा मंदिर स्थित है खजुराहो में। ध्यान देंगे बच्चों, इस भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कलचूरी वंश के शासकों ने करवाया था। तथा बात करें मुरैना की, तो मुरैना के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण प्रतिहार नरेशों ने मुरैना के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण, तो याद रखना, मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने 64 योगिनी मंदिर हैं, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 64 योगिनी मंदिर हैं। एक मुरैना में जो कि प्रतिहार नरेशों ने बनवाया था, दूसरा भेड़ाघाट जबलपुर में जो कि कलचूरी वंश के शासकों ने बनवाया था, तथा तीसरा खजुराहो में जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। बात करते हैं, ध्यान देंगे, सबसे प्राचीन मंदिर हमारा 64 योगिनी मंदिर जो कि ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। यहां पर स्थित है दुल्हा देव मंदिर। बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी बच्चों को पता है कि दुल्हा देव मंदिर खजुराहो में स्थित है, लेकिन दुल्हा देव मंदिर किससे संबंधित है? तो आपका आंसर रहेगा भगवान शिव से संबंधित है। दुल्हा देव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट मंदिर देखेंगे हम चित्रगुप्त मंदिर। यह चित्रगुप्त मंदिर सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को। बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर का संबंध पूछा जाता है कि लक्ष्मण मंदिर का संबंध या लक्ष्मण मंदिर
किस देवता को समर्पित है। तो आप बच्चों ये ना सोचना कि लक्ष्मण नाम है मंदिर का तो लक्ष्मण राम सीता से ही संबंधित होगा, बिल्कुल नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। लक्ष्मण मंदिर का संबंध भगवान विष्णु से है। लक्ष्मण मंदिर का संबंध भगवान विष्णु से संबंधित है। लक्ष्मण मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, याद रखेंगे, ना कि राम लक्ष्मण सीता, बिल्कुल नहीं, आपको राम लक्ष्मण सीता बिल्कुल नहीं बोलना है। लक्ष्मण मंदिर का संबंध विष्णु भगवान से संबंधित है। बात करते हैं खजुराहो की, तो खजुराहो में मध्य प्रदेश का एमपी का पहला हीरा संग्रहालय स्थापित है। एमपी का पहला हीरा संग्रहालय पहला हीरा संग्रहालय स्थापित है एमपी के खजुराहो में। एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र स्थापित है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र कहाँ स्थित है तो आपका आंसर रहेगा एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र खजुराहो में स्थित है। बात करते हैं खजुराहो में आगे, खजुराहो में धुबेला संग्रहालय स्थित है। बात करते हैं खजुराहो जो कि छतरपुर जिले में आता है। छतरपुर बुंदेला राजा छत्रसाल, आपने पढ़ा होगा बुंदेला राजा छत्रसाल के नाम पर छतरपुर का नाम 1785 में छत्रपुर कर दिया गया। किसके नाम पर रखा गया बेटा? बुंदेला राजा छत्रसाल के नाम पर छतरपुर का नाम 1785 में छतरपुर रखा गया। क्या क्या स्थित है यहाँ पर? चित्रगुप्त मंदिर, दुल्हादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो 64 योगिनी मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर। बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा पनीर संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो आपके खजुराहो में। एमपी का पहला हीरा संग्रहालय स्थापित है कहाँ पर? आपके खजुराहो में। हाल ही में देखा होगा बेटा करेंट अफेयर का क्वेश्चन है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की स्थापना भी खजुराहो में की गई। छत्रसाल की समाधि यह भी खजुराहो में स्थित है। छत्रसाल की समाधि अभी कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है छत्रसाल की समाधि। याद रखेंगे बेटा करेंट अफेयर का क्वेश्चन है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो कहाँ की गई है इसका आपका आंसर रहेगा खजुराहो में। खजुराहो किस जिले में? तो खजुराहो आपका किस जिले में है? छतरपुर में, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। बात करते हैं यहाँ के मंदिरों की, तो यहाँ के जो मंदिर हैं ये मंदिर हैं काम क्रीड़ा के मंदिर। यहाँ के जो मंदिर हैं वो काय के हैं? काम क्रीड़ा के मंदिर। बात करें छतरपुर की, तो छतरपुर में स्थित है रनेह जलप्रपात। आपसे पूछा जाए कि रनेह जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा छतरपुर में। बात करें मस्तानी महल की, यह भी छतरपुर में स्थित है। रनेह जलप्रपात तथा मस्तानी महल, यह भी छतरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? रनेह जलप्रपात तथा मस्तानी महल छतरपुर में। छतरपुर में एक परियोजना याद रखेंगे, उस परियोजना का नाम है उर्मिल परियोजना। यह भी कहाँ स्थित है? उर्मिल परियोजना भी छतरपुर में स्थित है।
छतरपुर में स्थित है। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे खजुराहो को एमपी की शिल्प नगरी कहा जाता है। एमपी की शिल्प नगरी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि खजुराहो एमपी की शिल्प नगरी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एमपी की शिल्प नगरी खजुराहो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खजुराहो को, एमपी की शिल्प नगरी खजुराहो को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, खजुराहो जो कि जिला छतरपुर जिले में स्थित है, इस छतरपुर का नाम राजा छत्रसाल जो कि एक बुंदेला राजा था उसके नाम पर 1785 में छतरपुर रखा गया। यहाँ पर कुल मंदिरों की संख्या 85। उसके बाद बात करेंगे सबसे बड़ा मंदिर, तो आपका कदरिया महादेव मंदिर। सबसे प्राचीन मंदिर 64 योगिनी मंदिर। यहाँ पर एमपी का पहला हीरा संग्रहालय स्थित है। एमपी का पहला हीरा संग्रहालय स्थित है। उम्मीद है कि खजुराहो के बारे में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आप सभी को भी समझ आ गया होगा।